हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब से मैंने अखबार में धनंजय चौधरी के बारे में पढ़ा ना, मुझे तब से ही डाउट हो रहा है कि ये धनंजय चौधरी कहीं गायब वायब नहीं हुआ होगा, ये फिर से कोई फ्रॉड कर रहा होगा जैसा इसने मेरे साथ किया था। रमेश, तुमने जबलपुर पुलिस से कहा था कि तुम्हारे साथ जो फ्रॉड हुआ उसमें धनंजय के साथ उसकी बीवी आरती भी शामिल थी। जी बिल्कुल थी। हुआ क्या था? साहब, मैं सरकारी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा था तो मुझे ये धनंजय टकरा गया। जी धनंजय जी, मतलब मैं 3 लाख मैं कैसे जुटा पाऊंगा? मेरी सरकारी नौकरी है रमेश, सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। नीचे से ऊपर तक हर नट बोल्ट को ग्रीस लगाना पड़ता है। तगड़ा जैक लगा मैंने तुम्हारे लिए। और भाई, नौकरी मिलने के बाद तो बटर होंगे ना, सरकारी नौकरी है भाई, सोने की खान है। नहीं धनंजय भाई, मैं क्या कह रहा था कि फिर भी 3 लाख बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा कुछ कुछ थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता? अबे सबसे मिनिमम पैकेज ऑफर कर रहा हूँ, सोच लो। नहीं दे सकते हो भाई, ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। माफ करना धनंजय भाई, मुझसे ना हो पाएगा। साहब एक बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी कि जितनी सरकारी नौकरी पाने की तलब मुझको थी उससे दुगनी तलब तो धनंजय को मुझसे पैसा इतने की थी। आरती। हाँ बताता हूँ साहब, धनंजय मुझे बोला कि तुम घर आ जाओ, जो भी बात करनी है हम आमने सामने बैठकर कर लेते हैं। तो साहब मैं उसके घर चला गया, घर गया तो वहां धनंजय था ही नहीं। सर चाय लीजिए रमेश जी। हाँ जी भाई, कब तक आएंगे धनंजय जी? क्यों रमेश जी, मुझसे बात नहीं करेंगे आप? खाती नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है वो, लेकिन धनंजय जी ने बुलाया था ना, वो पैसे कम करने की बात करनी थी। वो ना दरअसल दफ्तर में अटक गए हैं। तो जी अब क्या करें फिर, मैं फिर आता हूँ, चलता हूँ। आपको जिंदगी भर मलाई खानी है या नहीं? जी भाभी, समझा नहीं मैं कुछ। क्या सरकारी नौकरी ना दुधारू गाय है, मलाई ही मलाई। कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में कहीं लाखों की गाय ना गवा बैठो। तीन लाख रुपए हाथ का मैल है इस नौकरी के लिए। घर को जब हर महीने 3-3 लाख मिलेंगे, घर गाड़ी गहने बनेंगे, तो हर पल हमें याद करेंगे आप। रमेश जी अब तोल मोल भाव ना ही करो और हिम्मत कर, 3 लाख ले आओ। वादा करते हैं जिंदगी जन्नत बना देंगे आपकी। मैं तो बस क्या बताऊं सर? सब कुछ बताओ। इस जन्नत के वादे में सिर्फ नौकरी थी या कुछ और? मालूम हो रहा है इस आरती की अदा पर लुढ़क ही गए थे तुम। नहीं 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 मैडम, मैं कमजोर जरूर पड़ गया था लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने दिया साहब। हाँ उस चंट औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धोखा खा गया, दे बैठा 3 लाख रुपए। रमेश तितोले की शिकायत दर्ज करने के बाद ही हमने धनंजय और उसकी पत्नी आरती चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अरे सर, सर झूठ बोला ये रमेश तितोले, मुझे उसने 3 लाख रुपए दिए तो कोई तो सबूत होगा उसके पास। ऐसे कैसे आपने मान ली उसकी बात? सर सर देखिए, हम भी सरकारी नौकर है आपकी तरह। सर सर सुनिए मैडम, मैंने इस रमेश तितोले का नाम तक नहीं सुना है, आप प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, मेरे 4 साल का बेटा अकेला है घर पे। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 3 लाख रुपए लूटते वक्त तुझे अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया? मैडम वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरा रवि सच में घर पे अकेला है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रवि घर पर नहीं है, हमने उसे तेरे देवर भूपेन और उसकी पत्नी के हवाले कर दिया। मैडम मैडम रुकिए। लेकिन रमेश तितोले ने धनंजय और उसकी पत्नी आरती चौधरी को पैसे दिए थे इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसी 1 हफ्ते के बाद ही धनंजय और उसकी पत्नी आरती चौधरी की जमानत हो गई। रमेश के अलावा और भी लोग होने चाहिए, कुछ लोग जो धनंजय को जानते हैं उनका कहना है कि ऐसे काफी लोग थे जिनको धनंजय ने ठगा था। हाँ हो सकता है, लेकिन सबूत लेकर कोई सामने नहीं आया और जनरली इस तरह की डीलिंग कैश में होती है जिसका सबूत मिलना मुश्किल होता है, इसे हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। वो धनंजय और आरती है ना अव्वल नंबर के ठग है, बहुत पहुंची हुई चीज है। और वो औरत आरती, वो तो जहरीली नागिन है, नागिन। बहुत मुखौटे हैं उसके, आप सबको लगेगा कि भोली भाली औरत है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद तुम आरती से मिले? मिला था, वो अपने पैसे मांगने गया। ये लो, अब बताओ कौन से पैसे?
मैंने जो 3 लाख रुपए दिए थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उस बहाने से तुमने मेरे कपड़े फाड़े, मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मेरी साड़ी उतारने की कोशिश की। कितनी घिनौनी सोच है आपकी रमेश जी। पैसे मांगने के बहाने घर पर आए और जब घर पर कोई नहीं तो मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। धमकाने लगी, बोली बलात्कार का केस ठोक दूंगी। आप लोग भी बच के रहिएगा, वो आपके साथ भी कुछ भी कर सकती है। वो कब क्या खेल खेलेगी किसी को कुछ भी नहीं पता। सर, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच होने से ये साबित नहीं होता कि ये खून धनंजय का ही है, और ये भी साबित नहीं होता कि धनंजय मारा जा चुका है। ऊपर से आप कह रहे थे कि धनंजय संदिग्ध है फ्रॉड का। धनंजय और उसकी बीवी आरती सस्पेक्ट है या विक्टिम, इन दोनों पॉसिबिलिटीज के बीच हम दीवार पे लगी घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रहे। कभी लगता है विक्टिम, कभी लगता है सस्पेक्ट, और ऊपर से होशंगाबाद और उसके आसपास के इलाकों में कोई लाश नहीं मिली अभी तक। आप लोगों को दोनों किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं, इस धनंजय के बारे में और उसकी वाइफ आरती के बारे में। तो मैं पूरे दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, पर हो सकता है कि माजरा कुछ और ही हो। As in? जैसे कि करप्शन, घूसखोरी, इन मामलों को साबित करना आसान नहीं होता है। तो हो सकता है इस करप्शन के पर्दे की आड़ में कोई और ही जाल बुना जा रहा हो। ये पूरी साजिश धनंजय की खुद की रचाई हुई हो, उसने खुद गाड़ी को जंगल ले जाके छोड़ा हो और उस पर खून के दाग छोड़ दिए। नामुमकिन तो नहीं है जिस तरह से धनंजय की धूप छांव वाली तस्वीर अभी तक हमारे सामने आई। पर सर, मोटिव क्या हो सकता है? अपनी नौकरी को बचाने के लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश, या फिर किसी और ही एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? जी मैम, कोई और एंगल की, जो इस नौकरी करप्शन वगैरह से अलग हो। कोई अफेयर हो शायद, यानी धनंजय की इंदौर में कोई प्रेमिका हो जिसके लिए वो आरती को छोड़ना चाह रहा हो। क्वाइट पॉसिबल मैम, लेकिन सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि शायद अफेयर धनंजय का नहीं आरती का हो। देखिए, अगर वाकई में धनंजय की जान खतरे में थी और अगर वाकई में उसे मारा गया है, हो सकता है कि उसके पीछे आरती का हाथ हो। एक तरफ जमीनी स्तर पर धनंजय की लाश की खोज चल रही थी, और वाकई में लाश थी भी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। खोजी स्तर पर इस साजिश की हर मुमकिन संभावना को टटोला जा रहा था, हालांकि साजिश क्या थी ये अभी साफ नहीं था। सर, आरती के कॉल रिकॉर्ड्स किसी भी अफेयर की तरफ इशारा नहीं कर रहे। धनंजय के कॉल रिकॉर्ड्स में भी इंदौर की किसी ऐसी औरत का नंबर फीचर नहीं हो रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि धनंजय ने उसके साथ मिलकर कोई प्लानिंग की होगी। सर, अगर ये दोनों इतने शातिर हैं जितना कि सुनने में आया है, तो इन शातिरों के पास 2 मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें कोई खबर ही नहीं है। खबर तो हमें पता करनी पड़ेगी अर्चना, किसी को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। मुझसे और क्या पता करना चाहते हैं सर आप? जिन लोगों से मालूम पड़ सकता है कि मेरे भाई के साथ आखिर हुआ क्या है, उनसे तो आप पूछ नहीं रहे हैं। वो और क्या जानना चाहते हैं मुझसे? कोई ऐसी बात जो बहुत ज्यादा प्राइवेट हो, जो सिर्फ आपको पता हो, और जो बताने से आप चूक गए हो। ऐसी क्या बात हो सकती है, कोई इशारा तो दीजिए आप। भूपेन जी, हमारा थाना आपकी दुकान से 10 मिनट की दूरी पर है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या ही? मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी है मुकेश जी। कोई खास वजह? जी, लेकिन शारदा वो खास वजह तुमने इसमें लिखी नहीं। वो प्राइवेट है, मैं बस इस दफ्तर में अब और काम नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है शारदा, मैं तुम्हारा ये अचानक से आया अजीब सा इस्तीफा रजी सर को दे दूंगा जो भोपाल गए हैं अभी, और क्यों गए हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझसे एक रजिस्ट्रार से पूछ रहे हैं, क्या उसके सबसे नालायक कर्मचारी धनंजय का कोई अफेयर था? जी, क्योंकि हो सकता है आपके दफ्तर की कोई औरत हो। देखिए, मैं अपने स्टाफ के किसी निजी मामले में दखल अंदाजी नहीं करता, और शायद आपकी बात सच है। धनंजय अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी गेम खेल सकता है, एक नंबर का ढोंगी है वो। ढोंग तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय, पर ढोंग कौन कर रहा है ये भी साफ होना बाकी। ओह, इसका मतलब आप धनंजय के जाल में फंस चुके हैं। दरअसल धनंजय की बीवी आरती की टीवी पर दलीलें देखकर आप लोग पिघल चुके हैं।
ये मीडिया जो भौंक रही है इससे आप लोग कतरा रहे हो, पर भावनाओं को कुछ देर के लिए बाजू पे रखिए, ऊपरी दिखावे को छोड़कर थोड़ा गहराई में झांकिए, लॉजिक देखिए लॉजिक, तब शायद आपको समझ में आएगा कि सारे तमाशे के पीछे धनंजय ही है। हो सकता है कि उसकी बीवी आरती भी इसमें शामिल हो। मुमकिन है, पर यह भी तो मुमकिन है कि कोई इस जोड़े को काले रंग में रंगकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा। धूल झोंक रहा मतलब मैं, राइट? ऑफिसर एक सबूत ले आइए जो साबित करता हो कि मैं करप्ट हूं और मैंने धनंजय को गायब करवाया है। हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, हम जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, पर अब तो दौर ऐसा आया है कि अक्सर जो आदमी चीख चीखकर अपनी बात सामने रखता है उसी को सुना जाता है, फिर चाहे वो भ्रष्ट क्यों ना हो, और जो बेचारा ईमानदारी से खामोशी से अपना काम करता हो उसकी सच्चाई उस चीखों पुकार में दब जाती है। पर दुख की बात है सर, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारे सिस्टम में ऊंची आवाज को सुना जाता है, यह बीमारी है हमारे सिस्टम। हम तो सरकारी मुलाजिम, हमें कोई टच नहीं कर सकता। इस बात को सच मानने की बीमारी भी तो है हमारे सिस्टम। तो कीजिए ना टच, छूइए ना धनंजय को, वो भी तो सरकारी मुलाजिम है, ढूंढ निकालिए उसे, तब खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको कि बीमारी क्या है और बीमार कौन। शर्म की सारी हदें पार कर रहे हैं ऐसे सवाल पूछ के आप लोग। ये कोई जवाब नहीं हुआ भूपेन जी। क्या जवाब दूं ऐसे सवाल का मैं? इतना भद्दा सवाल कि मेरी भाभी का किसी के साथ अफेयर है कि नहीं? बिना तहकीकात किए रंजीत चौहान मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है और आप मान ले रहे हैं, और मेरी भाभी पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं। कीचड़ तो उछल चुका है, रमेश सितोले का नाम तो सुना ही होगा, जबलपुर में ठगा था इसे तुम्हारी दूध की दुली भाभी और हरिश्चंद्र जैसे भैया ने। एक हफ्ते में जमानत हुई थी, वो आप नहीं मानेंगे। क्यों हुई थी जमानत? क्योंकि इल्जाम फर्जी था। सर मैं आपको बताता हूँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से साजिश रची गई है मेरे ईमानदार भाई का नाम खराब करने के लिए, लेकिन वो आप मान नहीं रहे हैं। सर जिंदा रही तो कम से कम मेरे भाई की लाश तो ढूंढ के निकालिए, एक औरत के सर पर जो उम्मीद की तलवार लटक रही है उसे गिरने तो दीजिए सर। मैं पुलिस से यही कहने आई हूँ कि जो भी पूछना है मुझसे मेरे मुंह पर पूछे। पीछे से उस रमेश सितोले को ले आए मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए, वो रमेश जो सालों पहले हमारी जिंदगी में कहर बनकर टूटा था। आरती जी आपको क्या लगता है कि पुलिस कुछ शक्तिशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है कि आपके पति धनंजय चौधरी को भ्रष्टाचार के चौखट पे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और क्या हो सकता है, आप मीडिया वाले सब जानते हैं, फाइल पर फाइल खुल रही है, नई फाइलें बन रही है सिर्फ एक मकसद से, ताकि मुझे और मेरे पति को बदनाम किया जाए। और अब तो ये लोग मेरे चरित्र पर भी काली पोत रहे हैं, क्या इंसानियत मर गई है? ये लोग समझते भी है कि मेरा 11 साल का बेटा है जिसने उस दिन से अपनी पापा की आवाज तक नहीं सुनी। पैसे लूटे ना हमने लोगों के, तो कहाँ है वो लोग, हो तो बताइए, और वो पैसे कहाँ है? बैंक में है, जमीन में है, जेवर में है, कहाँ है? और ये जो ब्लाउज फाड़कर मर्दों को डराने और पल्लू गिराकर मर्दों को लुभाने का घटिया इल्जाम लगा रहे ना आप मुझ पर, अगर मुझे ऐसा करके कुछ भी हासिल करना होता ना तो उस 2% के आदमी पर क्यों आजमाती, सीधे उस बड़े आदमी रंजीत चौहान को अपने वश में करती, उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाती, या फिर मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर कहती कि उस रंजीत चौहान ने मुझे अपने साथ सोने को कहा, मैंने मना कर दिया तो सारी भड़ास मेरे पति पर निकाल दी। जैसे भी होता मेरे पति का पीछा छूट जाता उस रंजीत से, लेकिन मैंने सब कुछ भी किया नहीं किया, समझे आप? सर सर होशंगाबाद पुलिस को नर्मदा में एक डेड बॉडी मिली है। आज सुबह ही मिली सर, तैरते तैरते किनारे पर आ गए। हमें यह अंदाजा था लाश धनंजय चौधरी की हो सकती है, कई दिनों से हमारी टीम जंगलों में सर्च कर रही थी उसे। लाश धनंजय की ही है सागर? धनंजय की हो सकती है सुभाष, ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है। और एक डिटेल है जो बवाल खड़ा कर सकती है। क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 4 दिन पहले हुई, यानी 24 नवम्बर या 25 नवम्बर को। धनंजय 17 नवम्बर को गायब हुआ, यानी अगवा करने के बाद एक हफ्ते तक उसे जिंदा रखा गया। और मौत कैसे हुई? बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ दी गई हैं सुभाष, बहुत ही भयंकर मौत हुई होगी, शायद तड़पा तड़पा कर। इस वक्त बॉडी होशंगाबाद सिविल हॉस्पिटल में।
धनंजय के सर्विस रिकॉर्ड्स में सारी डिटेल चेक करवाए, उसकी हाइट, उसका ब्लड ग्रुप सब मैच कर रहा है। सुना, टॉर्चर किया गया था? बॉडी पे मल्टीपल फ्रैक्चर, मल्टीपल स्टैबिंग पाए गए थे, फाइनली गले को काटा गया है। अब तो पक्का बम फूटने वाला है। मीडिया वाले तो बवाल मचा देंगे, पहले क्यों नहीं बचाया, साजिश क्या थी? लगता है पुलिस भी कातिलों से मिली हुई है। टीआरपी और नहीं तो क्या? कंफर्मेशन के लिए बॉडी का डीएनए टेस्ट भी ले लेते, धनंजय के बेटे रवि और छोटे भाई भूपेन दोनों के सैंपल्स ले सकते हैं। हाँ सर, ये डीएनए टेस्ट जरूरी होगा, वरना वो भोपाल सवेरा वाले हम डॉक्टर्स को भी साजिश में शामिल कर देंगे। 17 नवंबर को धनंजय अगवा हुआ, 18 नवंबर को पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई, 23 नवंबर को उसकी कार मिली और आज 28 नवंबर को उसकी लाश। धनंजय आज हमारे बीच नहीं है। पोस्टमार्टम के हिसाब से मौत 24 और 25 तारीख के बीच ही हो गई थी, तो इस पूरे एक हफ्ते पुलिस क्या कर रही है? पूरा भोपाल जानना चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि इस पूरे एक हफ्ते पुलिस क्या कर रही थी। इस केस में गड़े मुर्दे नजर आ रहे हैं। धनंजय ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा था कि उसकी जान को खतरा है, उसके बावजूद पत्र से मिले सारे इशारों को नजरअंदाज किया गया। क्यों, किसके कहने पर? करप्शन के घिनौने जाल में धनंजय चौधरी की आहुति चढ़ी है। अहम सवाल यह है कि अगवा किए गए पूरे एक हफ्ते तक धनंजय को कहां रखा गया जहां उसका इतना भयंकर टॉर्चर हुआ? आखिर पुलिस धनंजय तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या पुलिस धनंजय तक पहुंचना या उसे बचाना भी चाहती थी? हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा इस भयानक शर्मनाक हत्या से, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट है, जो सिर्फ अमीरों का, बड़े बड़े बिल्डर की लॉबियों की। बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के हक की जमीन छीनना चाहते हैं और ये सिस्टम उनकी मदद करता है। हम अदालत से ये मांग करते हैं कि पुलिस को ये आदेश दिया जाए कि निष्पक्षता से धनंजय के हथियारों को पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। उस बिल्डर को पकड़े और उस बिल्डर के उच्च अधिकारी दोस्तों को भी पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो इस प्रचंड घोटाले में शामिल है। किशोर, जब सब कुछ मेरे जिम्मे आ रहा है, जैसे मैं ही पूरे कांड का मास्टरमाइंड। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं रंजीत जी? देखिए, मैंने तो जो करना था वो मैंने कर ही दिया था ना। धनंजय को तो अब तक नौकरी से बर्खास्त हो जाना चाहिए था, सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। अब देखिए ना, कितने समय तक धनंजय की इंक्वायरी की फाइल यहां वहां घूमती रही, बस ये देरी ही महंगी पड़ गई। किशोर जी, इंदौर से पहले धनंजय जिस रजिस्ट्रार के नीचे था, सबके उसके खिलाफ स्टेटमेंट है उस फाइल में, वो सबका सिर दर्द था। लेकिन ये सब यही हुआ, इसलिए सब मेरे सर पे आ रहा है। ऊपर से ये मीडिया शोर मचा रहा। उन्हें शोर करने दो रंजीत जी, आप बस जुबान पर लगाम लगा दो। मैं कहता हूं कि आप जरा समझदारी से इस मामले को हैंडल करना। अरे धनंजय को तो हीरो बनाया जा रहा है। लेकिन अदालत में जीरो साबित होगा जब पता चलेगा कि धनंजय के एडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ही नहीं थे। देखिए, ये वो हकीकत है जो कोई भी अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती। मीडिया ट्रायल भले ही भावनाओं से होती हो, लेकिन असली अदालत सबूत मांगेगी, और अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना, तो मेरा यकीन मानिए, आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब अरेस्ट होने ही चाहिए अर्जुन। मिसिंग से मर्डर तक का यह मामला अब चिंगारी से आग बन चुका है। इतने दिनों तक धनंजय को कहां रखा गया, उसे किसने मारा और क्यों? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह आग नहीं बुझेगी। समझ रहा हूं सर। यह आग और फैलनी नहीं चाहिए अर्जुन। सर, ये धनंजय इंदौर से भोपाल के लिए निकला था, फिर बाद में इसने होशंगाबाद की तरफ रुख कर दिया था। होशंगाबाद तो मेरा इलाका है साहब। अपने बंदे भोपाल के माहिर हैं साहब। होशंगाबाद और भोपाल के अलावा इंदौर भी खंगालो। इन तीनों जगहों की पुलिस तो ओवरटाइम कर ही रही है। तुम लोगों के बीच में घूमो, पता करो उस वक्त कौन सा हिस्ट्री शीटर बेल पर था या तफरी पर था। सबके सबको हाजिर करो। डेट और टाइम बताइए, मैं पहुंच जाऊं। लेकिन मैडम, पहले ये बताइए कि आप मुझसे और क्या नया ऐसा पता करना चाहेंगी जो आपने पहले पता नहीं किया। सच विजय चावला जी, उस 3 करोड़ की घूस का सच जो धनंजय ने अपने लेटर में लिख कर दिया था। देखिए मैडम, सच तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया। मैंने किसी को कोई घूस ऑफर नहीं की, चाहे वो रजिस्ट्रार रंजीत चौहान जी हो या फिर कोई और। कोई बात नहीं, आप फिर भी हाजिर हो जाइए शाम 4 बजे के पहले सारे पेपर्स के साथ। ये लीजिए सर, सारे पेपर्स आपके लिए। एक एक पेपर बारीकी से पढ़िए सर। मेरे पास घर में एक लैंडलाइन फोन है, एक ऑफिस में लैंडलाइन है, ये दो मेरे मोबाइल फोन। मेरे दोनों लैंडलाइन फोन और दोनों मोबाइल फोन के नंबर्स रिटर्न में। अब निकालिए, चारों फोन के सारे डिटेल्स निकालिए सर। होशंगाबाद का एड्रेस नहीं देंगे रिटर्न में, जहां पर 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक
धनंजय चौधरी को टॉर्चर किया गया था। सर आप धनंजय के जाल में न सिर्फ फंसे हुए हैं, पूरी तरह से धस चुके। जाल तो हमारी तरफ जरूर फेंके गए, पर वो जाल आपने फेंके, आपने, आपके गिरोह ने, और एक ने कई जाल फेंके ताकि हम धनंजय के कातिलों के बजाय उसके पास्ट के पीछे पड़े। अब आप ये बताइए कि एक हफ्ते तक धनंजय को कौन सी बात उगलवाने के लिए टॉर्चर किया गया या कौन सी बात कबूल करने के लिए? सर धनंजय के इंदौर वाले फ्लैट से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे हमें कोई भी लीड मिल सके। धनंजय का कंप्यूटर स्कैन किया सर, कुछ भी नहीं निकला। मैंने धनंजय के दोनों करीबी ऑफिस कुलीग्स यतिन शर्मा और शारदा पचौरी से भी बात की। दोनों को आइडिया नहीं है कि विजय चावला के 3 करोड़ के ऑफर के अलावा धनंजय के पास और क्या क्या जानकारी थी। ऑफिस में और कोई बातचीत, अफवाह, गपशप? एक नई डेवलपमेंट हुई है सर, शारदा पचौरी ने इस्तीफा दे दिया है। 1 महीने के नोटिस पीरियड पे काम कर रही है। इस्तीफा किस लिए? धनंजय के मामले से हिल गई है। अर्चना, शारदा को तुरंत इस कैनेपर डाल दो, हो सकता है कोई जानती हो, डर रही हो, या फिर शारदा का इस्तीफा देना ये भी कोई चाल हो। सिर्फ शारदा ही क्यों, मैं खुद भी पूरी तरह हिला हुआ हूं। पर इस्तीफा तो सिर्फ शारदा ने दिया, आपने नहीं, वो भी एकदम अचानक से, क्यों? वो तो शारदा ही जाने से। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे हाथ के नीचे मेरे दफ्तर में 1 पैसे का घोटाला नहीं हुआ, 1 पैसे का गफला नहीं हुआ। सर मैं आपसे पहले भी कह चुका कि आप लॉजिक देखिए, लॉजिक। धनंजय को मार के किसी को क्या मिलता? धनंजय उस पोजीशन में था ही नहीं कि वो किसी की फाइल को रोक सके या उसे आगे बढ़ा सके। उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, और जिसका नाम उसने लेटर में लिया था, वो बिल्डर विजय चावला, उसकी फाइल तो कभी धनंजय के पास गई नहीं थी। आपने बुलाया सर? हाँ मुकेश, ये एक लेटर की 2 कॉपीज है, एक रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है और दूसरी हैंड डिलीवर करनी है, भोपाल, आरती चौधरी की। जी, आरती चौधरी ज्वाइन कर रही हैं? मैं उसे जॉब ऑफर करना पड़ेगा मुकेश, और कोई विकल्प नहीं हमारे पास। उसके मृत पति की जगह उसे नौकरी मिल सकती है। भाभी जॉब अगर भोपाल में होता तो एक बार ज्वाइन करने की सोच भी सकते थे। मैंने सोच लिया है भाभी, मैं इंदौर जाऊंगी। मतलब भाभी इंदौर, वहां हमारा कोई भी नहीं है। धनंजय की यादें हैं। आप चाहें तो रवि को हम संभाल लेंगे, आप जाएं। नहीं भूपे, रवि मेरे साथ जाएगा। इंदौर में भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। मैं इंदौर के ऑफिस में फोन करके बता दूंगी कि मैं 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करने वाली हूँ। जीरो लीड्स, अभी तक तो जीरो ही है सर, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि 7 दिनों तक धनंजय को कहाँ छुपा कर रखा गया। सर शारदा की सर्वेलेंस की, 0। हर ब्रांच ऑफिस में तहकीकात की, 0। विजय चावला को खंगाला, वहां भी 0 लीड्स। मतलब बैक टू पवेलियन, जहां थे वहीं। अफेयर वाले एंगल ने कुछ स्कोर किया? सर अगर अफेयर रहा भी होगा तो आरती की तरफ से रहा होगा, लेकिन सर अगर इस वक्त हमने उस एंगल को टच भी किया तो मीडिया मैदानी जंग छेड़ देगी। सर अब तो आरती को इंदौर में धनंजय की जॉब भी मिल गई है। बहुत शातिर खिलाड़ी है आरती, पुलिस और मीडिया दोनों की गर्मी ठंडे होने का इंतजार कर रही होगी, फिर निकलेगा उसका प्रेमी कहीं से, तब दुनिया को यही लगेगा कि बेचारी बेसहारा विधवा को सहारा मिल गया। सर अगर आरती का ऐसा कोई अफेयर है तो उसका कोई ना कोई निशान कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक उस तरह अगर आरती धनंजय के कत्ल में शामिल है तो उसका भी कोई निशान होना चाहिए। आरती इंदौर शिफ्ट हो गई? जी सर, उसी फ्लैट में रह रही है जहां धनंजय रहता था। नजर रखो इस आरती पर, मॉनिटरिंग करो हर दिन की चुपचाप। इस केस में हमने बहुत जूते घिसे, अब इस केस को ऐसे अनसुलझा रहने देने का कोई चांस ही नहीं। Please come.
असल में एक महीना गुजर गया, तुमने धनंजय केस के बारे में एक भी अच्छी खबर नहीं सुनाई। साहब चार चार बंदे बंदियां लगाए हैं इंदौर में, कभी तो फिसले आरती, कभी तो मिले किसी से, पर मजाल है घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। दफ्तर के आस पड़ोस के लोगों से बात कर, धनंजय केस फाइल अभी भी खुली है और खाली है, हमें इस केस फाइल को जल्द से जल्द भरना और बंद करना है। साहब एक बात जहन में आई है, बतानी नहीं पूछनी है, क्या आरती और रजिस्ट्रार रंजीत चौहान के बीच कोई फोन वोन हुआ है? कॉल रिकॉर्ड में कभी कुछ देखा है आपने? नहीं सर, रंजीत और आरती के कॉल रिकॉर्ड्स में अगर ऐसा कोई कॉल होता तो हमारी नजर में जरूर आता। पर ऐसा हो सकता है? हमारे सामने ये एंगल ही पहली बार आया। नहीं असल हमें तो रंजीत चौहान और आरती के बीच में कोई सांठगांठ दिखाई नहीं थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शक का क्या कारण? कारण तो है साहब, एक तो उस दफ्तर के एक बंदे से बात हुई थी, वो बोल रहा था कि ये रजिस्ट्रार रंजीत चौहान और आरती के बीच कोई मिठास नहीं है, लेकिन कोई खटास भी नहीं है, जो कि देखा जाए तो होनी चाहिए थी, कोई तो ड्रामा होना चाहिए था इन दोनों के बीच। पर इसमें तो शक करने वाली ऐसी कोई बात नहीं। आगे तो सुनिए साहब, चार दिन पहले मैं खुद आरती के घर के बाहर नजर रखे हुए था, तो देखता हूँ कि एक गाड़ी आरती को घर तक छोड़ने आई हुई है, फिर देखता हूँ तो कौन नजर आता है? रंजीत चौहान। आरती पूरा टाइम रंजीत चौहान को गाली देती रही, उस पर इल्जाम लगाती रही, ताकि हम इस एंगल के बारे में सोचें ही नहीं। मानना पड़ेगा सर, बड़ी शातिर औरत है आरती। अर्चना यार, आरती ने हमें क्या भाषण दिया था? क्या कहा था उसने रंजीत चौहान के बारे में? और ये जो ब्लाउज फाड़कर मर्दों को डराने और पल्लू गिराकर मर्दों को लुभाने का घटिया इल्जाम लगा रहे ना आप मुझ पर, अगर मुझे ऐसा करके कुछ भी हासिल करना होता ना तो उस दो टके के आदमी पर क्यों आजमाती? सीधे उस बड़े आदमी रंजीत चौहान को अपने वश में करती, उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाती। उसने हमारे सामने बात रखी थी, हमने समझा ही नहीं, बात सुनी ही नहीं। तो सर ये मामला करप्शन का नहीं, अफेयर को लेकर था, इसलिए धनंजय मारा गया? सर एक मसला तो पहले से ही मौजूद था, धनंजय के अपॉइंटमेंट की इंक्वायरी, उसके पास्ट रिकॉर्ड और काम चोरी का। शायद इस मसले का इस्तेमाल एक अफेयर को अलग रंग देने के लिए किया गया। धनंजय चौधरी के बारे में हमारे सामने जितनी भी बातें पेश की, अच्छी या बुरी, सब सही हो सकता है, पर उन सारी बातों का इस्तेमाल धनंजय चौधरी की एक और ही तस्वीर पेश करने के लिए बड़े शातिर तरीके से किया गया, एक अलग चार बुनने के लिए। पर इस एंगल में भी एक कड़ी जुड़ नहीं रही, आंकड़ा बैठ नहीं रहा, वो ये कि धनंजय को 7 दिन जिंदा क्यों रखा गया? सर मुझे लगता है हमें इस आरती पर सर्वेलेंस और टाइट कर देनी चाहिए, इसी से पक्का कोई लीड मिल सकती है। रंजीत सर खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और सैलरी में पूरा नहीं होता, तो अगर धनंजय का पीएफ जल्द से जल्द मिल जाए बहुत मदद होगी। आरती तुम्हारी ये रिक्वेस्ट मैं अपने रिकमेंडेशन के साथ भेजता हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी क्लियर होता है। थैंक यू सर। हमारी आंखें कान नाक सभी ओवरटाइम खुले थे साजिश की तह तक जाने के लिए, धनंजय मर्डर केस को क्रैक करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, पर फिर भी हमें हमारे शक को यकीन में बदलने वाला वो अहम सुराग का कतरा मिल ही नहीं रहा था। लेकिन दूसरी ओर हमारी इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल परे कुछ और ही हो रहा था, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बार वही बात क्यों उठा रहे हो? उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और अगर मुझे पता होता कि उसके कारण इतने बखेड़े खड़े होंगे तो मैं ऐसा करती ही क्यों? अच्छा वो सब छोड़ो और बताओ कि आगे क्या प्लान है। जिस दूसरे आदमी को हम ढूंढ रहे थे आरती की जिंदगी में, वो हमारी परिकल्पना से बिल्कुल बाहर का। बहुत जल्द हमें पता लगने वाला था कि इस साजिश की गाड़ी
ना सिर्फ गलत पटरी पर थी बल्कि पटरी से उतरने भी वाली थी। सर मेरा नाम गोविंद शुक्ला है, मैं यूके वीजा ऑफिस से बोल रहा हूँ। सर मैंने वो धनंजय चौधरी मर्डर केस को बड़े इंटरेस्ट के साथ फॉलो किया था जब पिछले साल नवंबर में न्यूज ब्रेक हुई थी। यस मिस्टर गोविंद, वो केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। कुछ कहना उस केस के बारे में आपको? जी हाँ सर, उसके लिए ही फोन किया। प्लीज कहिए। सर हमारे यूके वीजा ऑफिस में पिछले हफ्ते एक फैमिली एप्लीकेशन आई है टूरिस्ट वीजा के लिए। प्राइमरी एप्लीकेंट है धनंजय चौधरी। क्या शुक्ला जी आपको कोई गलत फहमी तो नहीं है? हो सकता है ये कोई दूसरा धनंजय चौधरी हो। जी नहीं सर, एप्लीकेशन फॉर्म पे वही आदमी का फोटोग्राफ अटैच्ड है जिसका फोटो टीवी न्यूज़पेपर इंटरनेट पे दिखाया गया था। और इसकी पत्नी भी वही आरती चौधरी है जो आरती चौधरी टीवी चैनल पर अपील कर रही थी, और उसका बेटा रवि चौधरी उम्र 12 साल। अब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं सर, ये धनंजय चौधरी जिंदा है। वीजा सेंटर में एक हफ्ते पहले उसने ये फोटो खिंचाई है। गोविंद शुक्ला को कॉल करो और उससे कहो कि धनंजय से कहे कि उसका वीजा रेडी है, आकर वीजा सेंटर से कलेक्ट कर। फिर वीजा सेंटर से हम कलेक्ट करेंगे इस धनंजय चौधरी को, और दूसरी तरफ इंदौर से उसकी बीवी आरती चौधरी को। हाँ साहब, बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर आरती दफ्तर के लिए निकली है। रोज कितना वही रूटीन, कोई चेंज नहीं है साहब। हम अगर तुझे गोली मारते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओनिकॉर्ड तो पहले ही मर चुका है, अंतिम संस्कार भी हो चुका है तेरा। क्यों धनंजय चौधरी, धनंजय हमारी हिरासत में है, तुम आरती को उठा लो। ओके सर। हमें जो भी कहानी सुनानी है ना, जल्दी सोच ले, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। थोड़ी देर में तेरी बीवी आरती भी हाजिर की जाएगी। आरती ऑफिस में नहीं है? पर अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुमने आरती को ऑफिस के अंदर जाते हुए देखा था। सर आरती गई तो ऑफिस के अंदर ही थी, पर लगता है वहीं से कहीं चुपके से निकल गई। पूरी बिल्डिंग छानमारी कहीं नहीं मिल रही है सर। लेकिन आरती को पता कैसे चला कि हम लोग उसके पीछे हैं? सर पता नहीं, ऑफिस के स्टाफ वाले भी यही कह रहे हैं कि वो अंदर आई ही नहीं है। नहीं मैडम, आरती तो यहाँ नहीं आई, आप चाहें तो रजिस्टर चेक कर सकती हैं। सीधे ऑटो से उतरकर वो दफ्तर में ही आई है, मैंने खुद देखा है। यस मैडम, क्या माजरा है? धनंजय चौधरी जिंदा है, हमने उसे भोपाल में धरा है। आरती को मैंने खुद दफ्तर में आते हुए देखा, पर अब वो यहाँ कहीं नहीं है। धनंजय जिंदा है, मारा गया वो कौन था? मैडम वो एंट्री से अंदर आने के बाद पीछे से बाहर जाने का एक रास्ता है जो टॉयलेट तरफ जाता है, वहीं से बाहर जाने का एक दरवाजा भी है। सर लगता है उसने हम में से किसी को स्पॉट कर लिया। इंदौर पुलिस को अलर्ट करो, एक टीम तुरंत आरती के घर पर भेजो, मकान मालिक को भी आगाह करो। सर और दूसरी टीम आरती के बेटे रवि के स्कूल पर भेजो। पूरे चांसेस है कि फरार होने से पहले आरती अपने बेटे को लेने उसके स्कूल जाए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, सब जगह माँ बेटे की फोटो भेजो, टीम भेजो। ये आरती चौधरी बचकर नहीं निकलनी चाहिए। तूने और तेरी बीवी ने जो हमें गोल गोल घुमाया है ना, उसका बिल तो पेश होगा, और वो भी टैक्स के साथ। पहले ये बता कि तेरी बीवी आरती इंदौर से जाकर छुपी कहाँ, किसके पास जाकर छुपी है, और तेरे इस प्लान में और कौन कौन शामिल था? सिर्फ हम दोनों ही थे सर, मेरे बेटे रवि को भी कुछ नहीं पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसे कैसे पता चल गया कि मैं पकड़ा गया हूं। टूरिस्ट वीजा लेकर यूके भाग रहे थे,
ताकि वहां जाकर गायब हो जाओ। प्लान था क्या? शुरू से लेकर अब तक सब कुछ भूल। सत्रह नवंबर को जब मैं तुम्हें हाईवे से फोन करूंगा, उसके बाद तुम मुझसे इसी नंबर से बात करोगी। और उसके बाद तुम रहने कहां वाले हो? रह लूंगा कहीं भी, लेकिन तुम पुलिस के दबाव में आकर टूटना मत। जैसा प्लान बना है उसी के मुताबिक चलना। हाईवे से 17 तारीख को फर्जी कॉल के बाद तू कहां छुपा? उसी दिन अपनी गाड़ी को ठिकाने लगाकर मैं मुंबई चला गया था। तकदीर ने साथ दिया जो इतने दिनों तक आप लोग मेरी गाड़ी को ढूंढ नहीं पाए। और फिर 24 तारीख को लौटकर किसे मारकर नर्मदा में फेंक दिया? मैंने किसी को नहीं मारा सर। करप्शन के खिलाफ सीटी बजाने वाले विसल ब्लोअर, तेरी सीटी तो बच चुकी, पूरी तरह से बच चुकी। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा। दरअसल ये लाश गलती थी आरती की, ओवर स्मार्ट बनी और फंसा दिया मुझे। लावारिस लाश को मेरा नाम दे दिया आरती? तुम्हारा दिमाग तो, अरे दिमाग की स्क्रूटी हो गया क्या? अरे धनंजय, मुझे लगा कि सब कुछ तो मैच हो रहा है, तो खत्म कर दो कहानी। मुझे क्या पता था कि ये पुलिस वाले डीएनए वाला बखेड़ा खड़ा कर देंगे। आरती, तुमने मेरी सालों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मैं मर चुका था, किसी को असलियत के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन तुमने हमारा प्लान पकड़वाना आसान कर दिया पुलिस के लिए। शुक्र मनाओ अब तक हम दोनों पकड़े नहीं गए। ये तो किस्मत अच्छी थी आरती कि लाश के साथ मेरी हाइट और ब्लड ग्रुप मैच कर गया, वरना हमारा प्लानिंग तभी पकड़ा जाता। लेकिन अब ये डीएनए के बाद तो कोई चांस नहीं है। ये डीएनए टेस्ट हम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। देखो धनंजय, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। अरे पुलिस वाले मुझ पर शक कर रहे थे, और तुम्हारी इंक्वायरी की फाइलें तो एक से एक तुम्हारे खिलाफ है। अब डीएनए रिपोर्ट्स के आने से पहले ही कुछ करना होगा। आरती का किसी लावारिस लाश को मेरी लाश बताना, ये हमारे प्लान का हिस्सा था ही नहीं सर। आरती की बेवकूफी की वजह से मुझे यूके भागने का प्लान बनाना पड़ा, और देखिए मैं कहां पहुंच गया। बार बार वही बात क्यों उठा रहे हो? उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम्हारी वजह से मुझे नया प्लान बनाना पड़ रहा है। बताओ आगे का क्या प्लान है? मैंने पीएफ की अर्जी डाली। रंजीत ने कहा है कि बहुत जल्द पास करवाने की पूरी कोशिश करेगा। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मुझ पर। हाल तो बकवास मत करो, और सुनो, जैसे ही मेरा पीएफ क्लियर होता है हमें देश छोड़ देंगे। आउट ऑफ इंडिया? कहाँ? सोचना पड़ेगा कौन सा देश, कैसे जाएंगे। यूके, कनाडा, मलेशिया, कहीं ना कहीं तो बात बन जाएगी। अच्छा रवि को क्या बोलूं? रवि को कुछ मत बोलना। कैसा है वो? ठीक है, बहुत मिस करता है तुम्हें। तो ये तेरा नया प्लान था? तो ओरिजिनल प्लान क्या था? अपनी गाड़ी में खून के छींटे छिड़क कर सबको गुमराह करने का कि तू मारा गया? जी, मेरी नौकरी आरती को मिल जाती और फिर सारा मामला ठंडा हो जाने के बाद मैं फिर से आरती के साथ रहने लगता। तो ये सारी नौटंकी और सरकारी नौकरी के लिए थी जो तेरी इंक्वायरी के बाद तेरे हाथ से जाने वाली थी? सही कह रहा था रजिस्ट्रार रंजीत चौहान तेरे बारे में शुरू से? सही कह रहा था सर। वो रंजीत चौहान हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था सर, बेवजह। मेरी गलती थोड़ी ना थी सर कि मेरे पिताजी ने मेरे दत्तक पुत्र वाले कागजात रजिस्टर नहीं करवाए। उससे क्या होता, कागजात तो फर्जी थे ना, तो फर्जी रहते, एक ना एक दिन तो रोशनी में आते। और तुम्हारे पिताजी ने विश्वास साहू से वो कागजात धोखे से साइन करवाए थे। आप चाहे तो मेरी खाल उतार लीजिए, लेकिन मेरे पिताजी के खिलाफ मैं कुछ गलत बात सुनूंगा नहीं सर। बहुत ईमानदार आदमी थे सर वो, हो सकता है उन्होंने विश्वास साहू जी के साथ कुछ बात की होगी, मनाया होगा उन्हें। दरअसल उन दोनों के बीच क्या बात हुई मुझे मुझे नहीं पता सर। कौन था वो मासूम जिसे इतनी बेरहमी से मार डाला? मैं रवि की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही किसी को मरवाया। मुझे पता ही नहीं सर ये लाश किसकी थी। आरती चौधरी का अकाउंट, पीएफ अकाउंट, सब कुछ फ्रीज करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इंस्पेक्टर, जब आप पहली बार यहाँ आए थे तो मैंने आपको सब कुछ सही से बता दिया था धनंजय के बारे में, पर आपको मुझ पर यकीन नहीं हुआ। चौहान साहब, ऐसी बात नहीं है,
उस वक्त हालात ही ऐसे थे और फिर एक के बाद एक जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी उसे यही पॉसिबिलिटी लग रही थी कि शायद सच कुछ और हो। पर मैं बता नहीं सकता, पत्थर हट गया है मेरे सीने पर से। करप्शन का इल्जाम जो खारिज हुआ है, जो धनंजय जैसे फरेबी ने मुझ पर लगाया था। आज ब्रेकिंग न्यूज में देखिए, भोपाल सवेरा एक्सक्लूसिव, क्रिकेट स्टार ओमी प्रसार ने अपना मौन व्रत तोड़ा। फिल्म अभिनेत्री लैला कुरैशी के साथ अपने रिश्ते पे डाली रोशनी। हमारे भोपाल सवेरा की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आप हिल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ओमी प्रसार के साथ लैला कुरैशी ने किस किस तरह की भयानक बदसलूकी की। आपके होश उड़ाने की गारंटी देता है भोपाल सवेरा। जैसा हमने अनुमान लगाया वैसा हुआ ही नहीं। आरती चौधरी अपने बेटे रवि के स्कूल आई ही नहीं। बौखलाए रवि की कस्टडी धनंजय के भाई भूपेन चौधरी को दी गई है। आरती चौधरी फरार हो गई है। एक जबरदस्त मैन हंट लॉन्च होने के बावजूद आरती हमारे हाथ नहीं लगी। कानूनी तौर पर आरती को उस सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है जो उसे धनंजय की झूठी मौत के बाद दी गई थी। धनंजय तो वैसे भी डिसमिस ही होने वाला था। नदी किनारे मिली लाश का डीएनए सैंपल लोकल पुलिस को सौंप दिया गया। हमें अभी तक उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अगर डीएनए मैचिंग रिजल्ट पहले आ गई होती तो इस केस ने दोबारा स्पीड पकड़ ली होती। पर आरोपियों को भनक लग गई थी कि इससे उनकी साजिश की कमर टूटेगी, इसलिए उन्होंने प्लान बी बनाया जो बुरी तरह नाकाम रहा और अपने मुंह के बल गिरा। झूठों के शोर में अक्सर सच और सच की खोज डूब जाते हैं। यह हम आए दिन देख रहे हैं, देखते आए हैं और दुर्भाग्यवश आगे भी देखेंगे। पर एक अटल सच यह है कि किसी भी सच को झूठ की ढाल छुपा नहीं सकती। कानून का तीर उस ढाल को चीरता ही है, फिर भले ही वो ढाल लाख झूठों से बुनी गई हो। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.